हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका कूल इंजीनियर्स में। तो गाइज, ये बाइक आपने देखी थी यार, कैसी अपनी बाइक थी और हमने दिखाई थी आपको। तो इसके लिए कुछ सामान खरीदने जाना गाइज, इसमें छोटी मोटी कुछ दिक्कतें हैं, उन्हीं को लेके आज हम बात करेंगे। आपको कुछ और शॉट्स दिखा देता हूँ मैं बाइक के। ये देखिए गाइज, बाइक जो थी यार हमने बहुत सही कर दी यार। ये कुछ चीज़ें इसमें हमने इम्प्रूव की, वॉशिंग की है, पेंट वेंट उतार दिया, पुट्टी वुट्टी उतार दी, एक नंबर की लुकिंग इसकी हमने बना दी थी गाइज। यहाँ से भी देख लो, ये ऐसी कुछ कंडीशन है। और इसके लेके चलते हैं गाइज आज, और इसकी कुछ रिपेयरिंग कराएंगे। क्या हो गया? स्टार्ट नहीं हो रही यार। हैं? स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसे कैसे नहीं हो रही? ऑयल डलवाया था इसमें? हाँ, ऑयल यार अपन डलवाया था लास्ट टाइम। देखियो टंकी खोलियो। हाँ दिख रहा है ना? हाँ ऑयल तो है इसमें भी ना। देख होगी लगा, एक बार सेल्फ लगा के देख। ठीक, यहाँ से इंजन ओगिन हो गया अपना। ठीक है, अच्छा सेल्फ तो जा रहा है इसमें, पर वो नहीं हो रही। बैटरी तो चार्ज है ना? बैटरी चार्ज है। किक विक भी ना इसमें तो अपने पास? किक भी नहीं है। किक भी नहीं है भाई, धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं। चल ट्राई मारते हैं धक्का लगा के। तो गाइज बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, यहीं पे देखो अटक के खड़ी हो गई है। इसको स्टार्ट करते हैं यार, इसको स्टार्ट करके देखते हैं, धक्का मारते हैं। गाइज हमने इस पर इतने धक्के मार लिए, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आज गाइज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि सेकंड हैंड बाइक ख़रीदने से पहले आपको ध्यान रखनी है, ताकि जो गलती हमने की वो गलती आप ना करें। तो गाइज अपनी बाइक तो रुक गई, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम आपको आज कुछ बातें बताने वाले हैं, ताकि जब भी आप कोई सेकेंड हैंड बाइक लेने जाएं या आप प्लान भी कर रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए गाइज। तो सबसे पहले जो मैं आपको इशू बताऊंगा, आप कोई भी सेकेंड हैंड बाइक लेने जाएं तो ऐसी बाइक कभी भी ना लें जो काफ़ी टाइम से खड़ी हो। खड़ी इन द सेंस गाइज कि 2 महीने से सपोज करो बंदे ने चलाई ही नहीं है, तो ऐसी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये सोचने वाली बात है बंदे ने इतनी दिन खड़ी क्यों रखी। क्योंकि उसमें कुछ इशू है, इसलिए उसने वो खड़ी रखी, और खड़ी रहते रहते व्हीकल में बहुत सारे इशूज़ भी आ जाते हैं गाइज। तो दूसरी जो मैं आपको मेजर बात बताऊंगा गाइज, वो ये है कि बाइक की बॉडी वॉडी चेक कर लें, अच्छे से कुछ भी टूटा ना हो गाइज। कि देखो इस टाइप की आप बड़ी कोई बाइक लेने जाते हो तो उसकी हर चीज़ें महंगी आती हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखना पड़ेगा गाइज। इसके बाद थर्ड पार्ट जो आपको याद रखना है गाइज, वो रखना है कि आपके सस्पेंशंस वगैरह एकदम ओके हों। कि जाहिर सी बात है पुरानी बाइक हो जाती है सेकेंड हैंड, तो सस्पेंशंस को आप कैसे चेक करोगे? आपको उन्हें प्रेस करके देखना है, अगर वो कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गए हैं, स्मूथ इन द सेंस बहुत लूज़ हो गए हैं, तो वो ख़राब हैं गाइज, उनको भरवाना पड़ेगा। तो आप ये कुछ बातें हैं जिनको आप ओनर को बोल सकते हो और उसके प्राइजेस को थोड़ा और लो करवा सकते हो, अगर आप फिर भी उसे ख़रीदना चाहते हो तो गाइज। तो अभी के लिए इन बातों का ध्यान रखें, और अभी चलते हैं अपनी बाइक के ऊपर जो हमने ली थी। इसकी कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जो हमें पता है, हमें लग रहा है गाइज इसकी फ्यूल सप्लाई पूरी नहीं आती, और इसके कार्बोरेटर में भी इशू है, तो इनको हम ठीक करेंगे। और बाकी कुछ मेजर पॉइंट जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइज वीडियो के एंड में। तो चलिए फटाफट से अपनी बाइक को ठीक करते हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से इसकी फ्यूल पाइप को ओपन करना पड़ेगा। तो गाइज ये देखो हमारी बाइक में तेल है, लेकिन ये देखो कैसे निकल रहा है, कभी तेज हो रही है कभी स्लो। क्या आपके बाइक के साथ भी ऐसा होता है यार? हमने तो ऐसा देखा ही नहीं, हमने जब भी तेल निकाला है ना पूरे फ्लो से आता है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम हमें बाइक में यही लग रही है, इस वजह से बंद हो जाती है। तो इसको फटाफट तेल निकालते हैं पूरा और फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। तो गाइज अभी तेल जो है अपना पूरा निकल गया है, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, इस तेल को संभाल के रखते हैं। बहुत रुक रुक के जो है गाइज इसमें अपना पेट्रोल आ रहा था, तो अभी टंकी को खोलते हैं और फिर आगे का प्रोसेस जो है वो देखेंगे। तो गाइज ये अपने सारे नट खुल गए, 2 नट नीचे थे और 2 नट इधर थे, टंकी अपनी निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देखो ये अपनी फ्यूल वेल थी जो बाइक से निकाली, और इसमें जो है कि ना कचरा वचरा फंसा हुआ था, बट ये लगता है ख़राब ही है दोस्तों। कचरा भी निकाल दिया तो भी ठीक से काम कर नहीं रही, तो अभी
ये देखो दोस्तों, ये हम नई जो है इसकी फ्यूल वैल्व लेके आए हैं। दोनों में क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे साइड बाय साइड, आपको काफ़ी हद तक सेम दिखेंगी, लेकिन देखो इसमें ये प्लास्टिक का फिल्टर है, इसमें मेटेलिक है गाइस, हमें हाथ में फील लेने से ही लग रहा है। तो इसको लगा के देखते हैं ये ठीक काम कर रही है या नहीं। तो गाइज अभी हम इसमें देखो पानी डालते हैं यार, ये हमने आरओ का पानी ले लिया है, देसी तेल। हाँ देसी तेल, अब पेट्रोल तो इतना है नहीं। अभी हमने वैल्व को जो है बंद रख दिया है, इसमें पानी डालते हैं और फिर देखेंगे कितनी स्पीड से निकलेगा। अभी रिजर्व में से ही आएगा दोस्तों, क्योंकि रिजर्व इतना ही हमने इसमें तेल डाला है कि रिजर्व ही भरे। अब प्रेशर देखो, और पहले देख रहे थे उसमें खराबी थी गाइज, तो चलो लगता है कि बात बन जाएगी। तो दोस्तों देखो, अभी टंकी हमने इस पर रख दी है, टूटी लगाई है और पाइप लगा दिया, तो इसमें अभी हम तेल डालेंगे। डाल दे उल्टी कर दे कर दे। अब अपनी बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं यार, जैसा कि लगता है सारी मुश्किलें दूर हो ही गई हैं। नहीं हो रही। फाइनली गाइज हमारा पोपट हो ही गया है कई सालों बाद। वेल डन गाइज। तो गाइज जैसा कि आपने देखा कि हमारी हालत पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है यार, हमने इसकी टूटी चेंज कर दी जितना हमें ज्ञान था कि भाई हाँ इससे बात बन जाएगी, लेकिन एट द एंड इससे बात नहीं बनी। तो इसके बाद जो इश्यूज जाता है वो सीधा का सीधा जाता है कार्बोरेटर के ऊपर, और गाइस कार्बोरेटर की हमें इतनी नॉलेज है नहीं। तो हमने इसके जो था मैकेनिक था उससे बात की, उसने हमें बताया है कि भाई आपको बाइक लानी पड़ेगी। तो अभी इसके आगे का जो भी हम दिखाएंगे वो आपको अगली वीडियो में दिखा पाएंगे गाइस। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं जो आपको ध्यान रखनी है सेकंड हैंड बाइक लेते समय। जो गलती हमने की गाइस वो आप ना करें, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने दुखी हो रहे हैं इस बाइक को लेके यार, बट अब ले ली है तो इसे कराना पड़ेगा ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको मेन बात बताऊं गाइस, सेल्फ ज़रूर चेक करिएगा ऐसी बाइक ले रहे हो तो, क्योंकि अगर सेल्फ ख़राब हो गया तो इस चीज़ का बहुत मोटा खर्चा रहता है आपका, ठीक है 2-1 हज़ार का आराम से खर्चा रहता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इंजन में से धुआं तो नहीं निकल रहा है, इस बात की भी आप श्योरिटी कर लें, क्योंकि इंजन बंदे ने दोबारा चेंज तो नहीं करा रखा, खुलवा रखा, इस टाइप की चीज़ें। एक आप बैटरी ज़रूर चेक करें, बैटरी भी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, और उसका चार्जर गाइस, क्योंकि इन बाइकों में क्या होता है यार, किक होती नहीं है, आपको सिर्फ सेल्फ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ठीक है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये गाइस, एक इसका कार्बोरेटर होता है, ये मोस्टली केसेस में हमने देखा गाइस ख़राब हो जाता है इस बाइक का, तो खासकर इतने टाइम बाद। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये आपको सही मिले। ये भी हमने मैकेनिक से पूछा है, वो बता रहा है कि भाई 4000 के करीबन आपको ये पड़ेगा। तो कल उसके पास बाइक लेके जाएंगे हम, उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे गाइस। तब तक के लिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है कुछ भी बाइक लेते समय, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा गाइस, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे उसकी, जितनी नॉलेज हमने थी हमने इसमें लगा दी। लेकिन क्या करें गाइज, अपनी बाइक है, प्यार तो इससे करते हैं, ले ली है तो इसको ठीक भी कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, और देखते रहे कूल इंजीनियर्स।